بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. क्लास टेंथ बेटा, हमने कल चैप्टर नंबर 16 शुरू किया था, मेटलर्जी. मेटलर्जी मीन्स टू गेट मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल्स. और मेटलर्जी के हमने तीन बेसिक ऑपरेशन देखे थे. नंबर वन कंसंट्रेशन, नंबर टू एक्सट्रैक्शन, नंबर थ्री रिफाइनिंग. तो नंबर वन हमने कंसंट्रेशन डिस्कस किया था कि इसके तीन स्टेप हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. तो तीसरा स्टेप जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये आज हम डिस्कस करेंगे. बेटा ये जो स्टेप है उन मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखती हैं, जो मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं. फॉर एग्जांपल आयरन. डेफिनेशन देखें इसकी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज. इसमें से मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से अलग कर लेती है मकनातीस के जरिए. अब इसका जो प्रोसीजर है वो देखें. इससे पहले आप ये डायग्राम देख लें जिसमें आपको एक बेल्ट नज़र आ रही है जो घूमती है. ऊपर एक रिजर्वायर है जिसमें क्रस्ट ओर हम डालते हैं, और जब ये बेल्ट चलती है तो वो ओर इस बेल्ट के ऊपर मूव करती रहती है. व्हेन दिस बेल्ट कम्स डाउनवर्ड देयर आर टू कंटेनर्स. जो पहला कंटेनर है उसमें नॉन मैग्नेटिक वेस्ट वो गिरता है, और अगले कंटेनर में मैग्नेटिक ओर वो गिरती है. रीडिंग करके देखते हैं. द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर ए लेदर बेल्ट मूविंग ओवर टू पुलीज, टू रोलर्स, वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक. द नॉन मैग्नेटिक ओर फॉल्स फर्स्ट एंड द मैग्नेटिक ओर गेट्स अट्रैक्टेड एंड फॉल्स फार्दर अवे, दूर, थोड़ा सा दूर जा गिरती है. ये बेटा डायग्राम को देखेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी. ऊपर से हम ग्राउंड पाउडर्ड ओर डालते हैं, चलाते हैं इसको, वो ओर बेल्ट के ऊपर गिरती है, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो पहले कंटेनर में गिर जाएंगे. दिस मेथड इज यूज ओनली टू गेट आयरन फ्रॉम इट्स ओर. तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर उसके तीन स्टेप, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. तो बेटा ये दूसरा स्टेप हम शुरू करने लगे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर. जब हम ओर को साफ कर लेंगे तो उससे मेटल को कैसे निकालेंगे. तो बेटा इसके तीन स्टेप हैं. नंबर वन रोस्टिंग, नंबर टू स्मेल्टिंग, और नंबर थ्री बेसिमराइजेशन. तो आज हमने सिर्फ दो डिस्कस करने हैं, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग. रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में जो कॉमन थिंग है वो है हीटिंग. रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर टू ए हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर. इसमें हम कंसंट्रेटेड ओर को हवा की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर पाइराइट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्सचर ऑफ कॉपरस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड. वाइल इम्प्योरिटी रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स. वोलेटाइल मीन जो वेपर बन जाते हैं, उड़ जाते हैं गैस फॉर्म में. अब इसका रिएक्शन देखें. कॉपर पाइराइट प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड विल एस्केप फ्रॉम द फर्नेस
एंड देर आर टू सब्सटेंसेस विच रिमेन इन द फर्नेस आर कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। अब बेटा अगले स्टेप में हम ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड को लेके चलेंगे, इसको हम डालेंगे नेक्स्ट फर्नेस में और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्मेल्टिंग। इट इज़ फर्दर नेटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर। रोस्टिंग में हमने हीट करते हैं कंसनट्रेटेड ओर को, इसमें हम हीट कर रहे हैं रोस्टेड ओर को। इसके साथ रेत और कॉक की कुछ मिकदार मिलाते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन ए ब्लास्ट फर्नेस, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉक इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस। इसके लिए बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें हम कॉक भी मिलाते हैं, कोयला। इन द प्रोसेस फर्स्ट फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड विच डेक्स विच सेंड टू फॉर्म आयरन सिलिकेट स्लैग। इसमें बेटा पहले उसे ये बताया कि जो दो चीज़ें हमने डाली थी FeS और Cu2S, तो पहले FeS रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, फिर ये आयरन ऑक्साइड रेत के साथ हमें मिलेगा तो मैल बनेगी, स्लैग मीन मैल। देन ऑन द अदर हैंड कॉपर सल्फाइड आल्सो ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपरस ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड कॉपरस सल्फाइड। इन दिस वे कॉपरस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म ए मिक्सचर Cu2S डॉट FeS, दिस मोल्टन मिक्सचर इज कॉल्ड मेटे। तो ये चार रिएक्शन बेटा हमने याद करने हैं जो स्मेल्टिंग के दौरान हो रहे हैं। दो रिएक्शन हैं आयरन सल्फाइड के और दो रिएक्शन हैं कॉपर सल्फाइड के। इसमें इस रिएक्शन के